दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पर टेस्ट मैच के पहले ही दिन कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। भारत की पहली इनिंग में केएल राहुल 26 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर विकेट कीपर एलेक्स कैरी द्वारा कैच आउट हुए, लेकिन इस विकेट को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पहले फील्ड अंपायर ने कैच को नकार दिया था और केएल राहुल को नॉट आउट दिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने डीआरएस लेने का फैसला लिया। थर्ड अंपायर ने जब कई बार टीवी रिप्ले देखा तो यह माना कि बॉल पहले राहुल के बैट पर लगी और फिर पैड पर है। इसी आधार पर थर्ड अंपायर ने राहुल को आउट करार दे दिया, लेकिन केएल राहुल थर्ड अंपायर के इस फैसले से नाखुश नजर आए और उनके जेस्चर में उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की इस शुरुआत के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताओ।